हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों इंडिया जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो से दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल के जो वाष्पों को तप्त कॉपर के ऊपर से प्रभावित करने पर क्या होता है दोस्तों? तो वी हाइड्रोजनन होता है दोस्तों, प्राथमिक और द्वितीय एल्कोहल होता है, उसे तप्त कॉपर के ऊपर से गुजारने पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध गोचर मेला कब से प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो 1943 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था दोस्तों, प्रसिद्ध गोचर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस भारत में किसकी वापसी की स्मृति में 9 जनवरी को चुना गया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी की वापसी पर चुना गया था दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन है दोस्तों? तो जनरल KM करियप्पा है दोस्तों, करियप्पा है दोस्तों भारत के पहले कमांडर चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में जैव विविधता को कौन से समृद्ध स्थल है दोस्तों? तो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट है दोस्तों जैव विविधता से समृद्ध स्थल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कृषि व संबंधित गतिविधियों में ऋण वितरण के लिए किसका हिस्सा सर्वाधिक है दोस्तों? तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का हिस्सा सबसे अधिक है दोस्तों कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया दोस्तों? तो तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थापित किया गया दोस्तों सबसे पहले कलपक्कम परमाणु संयंत्र दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की जो सबसे वृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है दोस्तों? तो लोहा और इस्पात उद्योग है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा उद्योग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में समुद्रिक मार्ग की खोज किसने की दोस्तों? तो वास्को डी गामा ने की थी दोस्तों, समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी दोस्तों भारत में समुद्री मार्ग की सबसे पहले खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा किसे दी गई है दोस्तों? देश के महापुरुषों की समाधि को दी गई है दोस्तों आधुनिक भारत के मंदिर दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो उसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब भी कर दिए दोस्तों। तो दोस्तों अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।